केयर को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लोगों में भी कंफ्यूजन है, इसकी भी आप कृपया जानकारी दें। आज हम यहाँ पे आप देखें, हमारे स्वास्थ्य विभाग के सचिव भी हैं सुधाजी जी हमारे साथ, और जो सीएम साहब ने मीटिंग ली, ये दो महत्वपूर्ण मीटिंग थी आज। एक हमारी टांडा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को लेकर थी, और उसके ही बाद दूसरी आईजीएमसी के विषय में थी। दोनों में ही स्वास्थ्य की सुविधाओं को हम त्वरित ढंग से लोगों के बीच में ले जा सकें, उनकी जो कमियां हैं या जो हमारे पास कठिनाइयां, उनके ऊपर विस्तृत तो विचार विमर्श हुआ, और सभी हमारे कम से कम 8-9 जो महले कुछ एक मंत्री महोदय उनके साथ रहे। और मेरा मानना है कि इस प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाओं में जब गाहे बगाहे हम चिंतन विचार करते हैं तो जो कमियां होती है उनको दूर किया जाता है, और जो लोगों की परेशानियां उसको भी हम ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा उसमें चुने प्रतिनिधि भी थे, हम 8-9 होते हैं सब लोग वहाँ पर, और दोनों के बारे में हमने काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। और स्टाफ की कमी, खासकर कहाँ डॉक्टर जाने चाहिए, कहाँ नर्सिस की कमी है, कहाँ पैरामेडिक्स की कमी है, कहाँ विशेषज्ञ कमी है, ये सब चीज़ें बड़े विस्तृत रूप से वहाँ पे आज डिस्कस हुई। दोनों ही स्थान का आज का विषय था, पहला टांडा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और दूसरा आईजीएमसी शिमला। और सर, हिम केयर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और प्राइवेट अस्पतालों में हिम केयर योजना को बंद करने के पीछे क्या फाइनेंशियल रीजन है या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है? देखिए, हिम केयर के हमारे जितने भी कार्ड हैं लगभग ठीक तरीके से उपयोग में आ रहे हैं, और मेरा अपना मानना है, देखिए हम और सेक्रेटरी हेल्थ बैठे हैं, मेरा अपना मानना है कि हमारे पास हर प्रकार की सुविधाएं एकत्रित की गई हैं। लगभग पिछले लगभग एक साल और 7 या 8 महीने में जो मैं कह सकता हूं कि काफ़ी सुधार हुआ है, यहां तक कि जो आपने देखा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बने, लगभग 36 या 38 के करीब हमारे दो तीन विशेषज्ञ तो चले ही गए हैं। बाकी हम धीरे धीरे, जैसे अभी हाल ही में हमारे कुछ एक नंबर नर्सिंग स्टाफ से था, डॉक्टरों का था, वो पिछली वेट कैबिनेट में हुआ, तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि वो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान ठीक तरीके से उनकी स्टाफिंग हो, और जो उनका रोल है वो सबसे बड़ा रोल यही है कि मान लो यहाँ से ठियोग है, यहाँ से चायल है, यहाँ से सोलन है, या यहाँ से नज़दीक का ले लो एयरपोर्ट के पास सायरी हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो सिविल हॉस्पिटल है, तो सब जगह हम लोगों ने आरंभ कर दी है इन लोगों को, जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान को ठीक तरीके से स्टाफिंग करना, और वहाँ पे ये प्रिपेयर्ड करना लोगों को कि भाई ये सुविधाएँ आपको मिल रही है, और बहुत अच्छा उनका सॉर्ट ऑफ यू नो जो रिएक्शन है या जो रिस्पांस है, और जो लोगों की प्रतिक्रियाएँ मैं सुनता रहता हूँ, और आमतौर पर आते हैं कि उन्होंने तकरीबन 200-200 की एक एक ओपीडी जगह हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर लोग जाते हैं और उनको वो सुविधाएँ मिल रही हैं। अगर आपका एनास्थिस्ट वहाँ पे हो और आपका गायनोकोलोजिस्ट आपके पास हो, आपका सर्जन आपके नज़दीक मिले, तो बहुत सी जो वहाँ के ऑपरेशन या दूसरी जो क्रियाएं हैं जो कि मेडिकल नीड्स होती हैं लोगों की, वो वहीं पूरी की जा रही है। माननीय सुखेंद्र सिंह सुक्खू हमारे ऑनरेबल स्वास्थ्य प्रधानमंत्री जी का ये विशेष ध्यान रह रहा है कि हम इन स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक मजबूत करें, और उसी सिलसिले में हम जितने हमारे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान धीरे धीरे उनको पूरा कर रहे हैं। तो ये जो हम हिम केयर की जो आपने बात की, इसमें भी जिन लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, और मेरे को लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि वो 5-7 कैटेगरी में पढ़ भी देता हूँ, सबको दी जा रही है, कोई समस्या नहीं। अस्पतालों में सब बंद हो गई है। मैडम, इसकी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्यों निजी अस्पतालों में इसको बंद किया गया है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? ये रीज़न है कि मतलब हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं
उसमें पूरी सुविधाएं हैं। हमारे पास ऐसे कोई ऐसे नहीं है कि ये सुविधाएं वहाँ पे है ही नहीं, इसलिए इसको करना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ हमारे चंडीगढ़ में PGI भी एम्पैनल है। सो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स और हमारे रीजनल हॉस्पिटल जोनल हॉस्पिटल्स के साथ साथ PGI भी है, इसलिए हमें ये निर्णय कैबिनेट ने लिया है अभी के लिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम 1 सितंबर से बंद करेंगे। अभी जो भी इलाज वहाँ पे कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर पाएंगे। मैम उसमें कुछ अनियमितताएं की बातें सामने आई थी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंक्वायरी की भी बात कही गई है, क्या कुछ बातें सामने आई थी किस तरह की वहाँ? क्या स्वास्थ्य विभाग का उन पर भी चेक है, क्योंकि हाल ही में ED की रेड्स भी इसी योजना को लेकर हाल फिलहाल में हुई थी। देखिए जो जैसे हेल्थ सेक्रेटरी महोदय ने बात कही, अगर कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं होती भी हैं तो मैं तो मानता हूँ कि जो हॉस्पिटल हमारे साथ इम्पैनल किए हैं उनको हम इम्पैनल से हटा भी सकते हैं, डीएम्पैनल कर देंगे। अगर किसी को ऐसी अनियमितताएं हमारे नज़र में आई, बात तो ठीक कह रहे हैं आप कि अगर किसी भी प्रकार की जो सुविधा मिलती है उसका उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, और उसका दुरुपयोग होगा तो ऐसे हॉस्पिटल जहाँ से हमारे पास ये सूचना आएगी उनको डीएम्पैनल कर दिया जाएगा, सर्टनली वाई नॉट। सर जो आज रिव्यू हुआ है उसमें कुछ ऐसे भी स्टेप्स दिए जा रहे हैं कि जो सर्विसेज है या सुविधाएं वहाँ इन्हांस किस तरह से करनी है, IGMC और कांडा आपने जिक्र किया है, कुछ नई सर्विसेज वहाँ लानी है, सुविधाओं में विस्तार आज किया। yes. हाँ टांडा मेडिकल कॉलेज का काफ़ी विस्तार में तो इनफैक्ट हेल्थ सेक्रेटरी महोदय ने स्वयं ही ये प्रेजेंटेशन दी, तो मैं समझता हूँ कि व्यापक रूप से हमने वही कोशिश की है कि वहाँ पे भी देखिए आपने देखा हमारे हार्ट केयर के लिए, हार्ट ऑपरेशन के लिए पिछले साल ही हम लोगों ने आरंभ किया था जिस वक्त हमारा हाउस चला हुआ था, और वो सुविधा भी वहाँ पहुँच गई है। उसके अलावा जो आप अगर वहाँ पे देखेंगे कि लोगों को एक ऐसा अच्छा रुझान है, अलग हमारे नज़दीक से एम्स भी है बिलासपुर का, हमारे जैसे कहा हेल्थ सेक्रेटरी के हमारे पास PGI भी है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उन जगहों में वो सुविधाएं मिलें जो लोगों को मिलनी चाहिए ताकि लोगों का समय इधर उधर व्यस्त नष्ट ना हो। तो मैं तो कहता हूँ चाहे हार्ट का है, चाहे वो चाहे किडनी ट्रांसप्लांट का भी वहाँ पर सुविधाएँ की हैं, और बल्कि विशेषज्ञ आ जाए भी थे, बड़ा अच्छा उन्होंने बताया। तो हमारे पास सुविधाओं में विस्तार हुआ है और सुधार भी हो रहा है। आप देखेंगे अभी आप चमियाना की बात करें, हम धीरे धीरे वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बना रहे हैं उनमें भी आप देखेंगे कि वो हाइजीन से ही एक हिस्सा है, वो अलग नहीं है, परंतु वहाँ क्यों कर रहे हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है सुपर। हम मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल सोलन में क्यों बना रहे हैं, इसीलिए ताकि हमारे तकरीबन अपने तंत्र पे मेडिकल सुविधाओं के तंत्र में ऐसा विस्तार हो, सुधार हो कि हर प्रकार की सुविधाएँ वहाँ पर मिले, वेदर इट इज़ ए फिजिकल साइड, मेंटल साइड, और इससे सर्जन साइड, और इससे मेडिकल साइड, सब तरह की सुविधाओं को हम आगे ले जा रहे हैं। ठीक है सर, अच्छा ये इन्होंने